पिछले दिनों यूपी में मॉब लिंचिंग को लेकर काफी बवाल हुआ। सिर्फ एक जिले नहीं, तीन तीन जिलों में इस तरह की वारदातों से सनसनी मच गई। अलीगढ़ में फरीद उर्फ औरंगजेब की चोरी के शक में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये मामला इतना बढ़ा कि इसकी खबर लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव तक पहुंच गई, जिसके बाद वो बीजेपी पर भड़क उठे। बीजेपी पर बरसते हुए उन्होंने बता दिया कि औरंगजेब की हत्या क्यों की गई। सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, चुनाव में पराजय के बाद जिस तरह उप्र में कन्नौज, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में प्रशासनिक विफलता की वजह से हत्या और फसाद हुआ है, वो निंदनीय है। भाजपा सरकार किस वजह से ऐसे उत्पीड़न पर उतारू है, इसे जनता समझती है। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में उप्र की जनता क्यों पिसे? पराजय से जन्मा ये प्रतिशोध सामाजिक आक्रोश को ही जन्म देगा, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। यूपी के पूर्व सीएम ने अपने इस पोस्ट में अलीगढ़ के साथ साथ कन्नौज और फिरोजाबाद की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने इन सभी हत्याओं के लिए सीधे सीधे बीजेपी और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारण इस प्रतिशोध का जन्म हुआ है, जो कि प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। बता दें कि जिस तरह अलीगढ़ में 18 जून को मॉब लिंचिंग की वारदात घटी, ठीक उसी तरह का मामला फिरोजाबाद और कन्नौज में भी सामने आया था। खैर, आपको क्या लगता है कि मॉब लिंचिंग की वारदात प्रदेश में क्यों बढ़ रही है और इनके लिए जिम्मेदार कौन है?